दोस्तों, लोकसभा चुनाव का सभी चरण खत्म हो गए। कल ही 19 मई को सातवें चरण भी खत्म हो गए। तो अभी बात करें कि इस बार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, तो इसके ऊपर सत्ते बाजार का भाव आपको देने वाले, जिसमें एक महासर्वे किया गया। जी हाँ दोस्तों, इस बार कोई आम सर्वे नहीं है, ये एक महासर्वे है। क्योंकि यह जो सर्वे ये हमारे टीम से कोई नहीं किया गया, ये जो सबसे मशहूर जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है। जी हाँ दोस्तों, सभी को पता होगा कि इकोनॉमिक्स टाइम एक बहुत ही बड़ी एक मशहूर आर्टिकल है, तो उसी ने इस सर्वे को किया है। ये एक महासर्वे है क्योंकि 2014 के जो इलेक्शन है उसमें भी इकोनॉमिक्स टाइम एक सर्वे किया था, जो बहुत ही सटीक सर्वे हुआ था। तो इसलिए आज आपको जो सर्वे मिलने वाले, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स के एकदम बिल्कुल सटीक एक सर्वे होगा, जिसके ऊपर क्लियर हो जाएगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ते बाजार में कौन इस बार पीएम बनेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार एक बहुत ही तगड़ी एक लड़ाई हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को लेकर बहुत ही ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, और दोनों ही पार्टी बहुत ही ज़्यादा लुभाने की कोशिश की है आम जनता को। कोई 15 लाख दे रहे तो कोई किसान का कर्ज को बिल्कुल माफ़ कर रहे। तो इन सभी पार्टियों का आम जनता को लुभाने के बाद आम जनता का क्या राय है, वो जानने के लिए इकोनॉमिक्स टाइम जैसे वेबसाइट सातवें चरण तक एक बहुत ही बड़ा एक महासर्वे किया है, जिसका रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग है, जिसको देखकर बड़े बड़े नेताओं की आंखें बिल्कुल फटी के फटी रह जाएगा। और इसका तो सटीक रिजल्ट आपको 23 में, मतलब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी है ओरिजिनल रिजल्ट से, कौन इस बार सत्ते पे रह सकते हैं, कौन पीएम बनेगा, तो उसका कुछ ही घंटे बाकी है। तो इसी बीच आपको ये जो रिजल्ट है ये आपको पूरे आपको बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि आप अगर 23 में के अगर ओरिजिनल रिजल्ट का अगर लाइव अगर अपडेट देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटे का ऑप्शन है उसको याद से दबा दें, ताकि सभी अपडेट आपको लाइव आपको मिल सके। और साथ ही में इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने सभी दोस्तों का शेयर भी करें। और आप लोगों के ऊपर भी एक सर्वे किया जा रहा है, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए कि किसको इस बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर कोई और। तो जरूर से इस वीडियो के कमेंट में बताइए और देखते हैं कि कमेंट में किसकी जीत होती है। तो चलिए अभी आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स के जो लाइव जो अपडेट है, जो रिजल्ट है कि कौन इस बार सत्ते पे रह सकते हैं, तो उसका आपको अपडेट लाइव आपको दिखा देते हैं। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से इस बार सत्ते पे फिर से बीजेपी रह सकते हैं। जी दोस्तों, इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से 306 सीटें बीजेपी को मिल सकते हैं, और साथ ही में 132 सीटें कांग्रेस को और 104 सीटें आदर्श को मिल सकते हैं। तो इस बार बीजेपी को बहुत ही तगड़ी एक जीत होता दिख रहा है 306 सीटों पर। और 23 में के रिजल्ट से अगर ये अगर ज़्यादा कुछ गड़बड़ी हो गई, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को सिर्फ कुछ ही सीटें बीजेपी का घाटा होगा, तो उसके बाद भी 270 सीटें बीजेपी का रह सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक सटीक सर्वे हो सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे वेबसाइट ये बहुत ही सटीक एक सर्वे करते हैं, जैसे कि हमने पिछले इलेक्शन में देखा था 2014 के इलेक्शन में। तो और इस जगह पर अगर कांग्रेस अगर महागठबंधन के साथ अगर जोड़ते भी है तो भी सत्ते पे नहीं आ सकते, इस जगह पर फिर से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम रहेगा। तो चलिए अभी आपको सर्वे का रिजल्ट आपको दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे राज्य की बात करें जिस जगह पर बीजेपी का बहुत ही बड़ी घाटा हुआ है, तो उसमें से सबसे पहले है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें है, जिसमें से सिर्फ 6 सीटें बीजेपी को मिल सकते हैं, और कांग्रेस को 5 सीटें और टीएमसी को 31 सीटें मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर टीएमसी को बहुत ही तगड़ी जीत होता दिख रहा है। और उसी के साथ तेलंगाना, तेलंगाना में टीआरएस को 10 सीटें मिलता दिख रहा है, और इस जगह पर बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें मिलता दिख रहा है। और तमिलनाडु में भी बहुत ही बड़ी एक नुकसान हो रहा है, जिसमें बीजेपी को 11 सीटें और कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य को 9 सीटें मिलता दिख रहा है। और उसी के साथ पंजाब में 13 सीटें है, जिसमें से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिलता दिख रहा है, और कांग्रेस को 7 सीटें और अकाली दल को 3 सीटें मिलता दिख रहा है। और उसी के साथ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 सीटें है, तो इस जगह पर से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 4 सीटें मिलता दिख रहा है, और बीजेडी को 10 सीटें मिलता दिख रहा है। और उसी के साथ अगर केरल की बात करें तो केरल में 20 सीटें है, जिसमें से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को और 14 सीटें कांग्रेस को मिलता दिख रहा है, और अन्य को 4 सीटें मिलता दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जिसमें से सिर्फ 29 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 5 सीटें और इस जगह पर महागठबंधन को 46 सीटें मिलता दिख रहे। और अभी आपको कुछ ऐसे राज्य की बात करें जिस जगह पर बीजेपी को बहुत ही तगड़ी जीत होता दिख रहा है, तो उनमें से सबसे पहले है कर्नाटक। तो कर्नाटक में 15 सीटें मिल सकते हैं बीजेपी को, जबकि यहाँ पर 28 सीटें है और इस जगह पर कांग्रेस को 9 सीटें और जेडीएस को 2 सीटें मिलता दिख रहा है। और साथ ही में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 सीटें है जिसमें से 15 सीटें बीजेपी को और 10 सीटें कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। और उसी के साथ गुजरात की बात करें जो नरेंद्र मोदी का होम टाउन है, तो उस जगह पर एक बहुत ही तगड़ी एक जीत होता दिख रहा है बीजेपी को। तो इस जगह पर 26 सीटें है जिसमें से 21 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। तो यही था हमारा आज का ओपिनियन पोल। तो मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद।